जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं जी। मैं ये कंट्री साइड से गुजर रहा था तो मैंने कहा चले आप दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करूं। बहुत ही खूबसूरत कंट्री साइड है ये। मैं हाईवे 62 से जा रहा हूं वापस टोरंटो की तरफ और अभी मैं गुजरा हूं मायरा कॉटेजेस से। बहुत ही खूबसूरत व्यू था, वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पर ये फार्म हाउस हैं। और ये देखें, ये मेरे ख्याल फिर कोई छोटा सा टाउन आ गया तो इस वजह से ये देखें स्पीड लिमिट रिड्यूस हो रही है, 70 हो गई है। तो जब ये दरमियान में हाईवे पे आता ना कोई टाउन वगैरह से गुजरती है तो स्पीड लिमिट ना कम कर देते हैं, तो जैसे ही वो गुजर जाता फिर स्पीड लिमिट को ये ज़्यादा कर देते हैं। तो आप देखिएगा ये अभी भी स्टिल 70 है, तो इसका मतलब है अभी भी हम उसी स्मॉल टाउन में से गुजर रहे हैं। ये देखिए, ये इतना सा बस ये टाउन था। ये देखिए इसके बाद दोबारा से ये 80 हो गई है। सो ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है कंट्री साइड का, कितना पीसफुली है और कितना काम है ये। यहाँ ना एक चीज़ बड़ी मतलब ज़बरदस्त होती है कि यहाँ कोई आपको नॉइस नहीं मिलेगी, कोई वो फायर ट्रक के सायरन और कोई उसके वो कहले एम्बुलेंस के सारे नहीं सुनने को मिलेंगे। बड़ा नाइस और क्वाइट ये प्लेस होती है मोस्टली यहाँ पे। इसी वजह से अक्सर मतलब जो रिटायर्ड होते हैं ना लोग, वो रहते हैं मतलब बाकी की अपनी ज़िंदगी कहले सुकून से गुजारने के लिए, या फिर वो लोग रह रहे होते हैं कि जिनके यहाँ बिजनेस वगैरह होते हैं। क्योंकि ये असल में कंट्री साइड पर ना एक चीज़ की सिर्फ कमी होती है, हर चीज़ यहाँ ज़बरदस्त है। यहाँ ना जॉब्स इतनी नहीं होती मतलब कंपेयर टू बिग सिटी, तो इसलिए ना यहाँ पे जिनके तो अपने, ये देखें सॉरी ये साइन आ रहा राइट पे, आप देखें इसका मतलब यहाँ डियर क्रॉस करता है, ये डियर क्रॉसिंग का साइन। तो ये साइड पे बांध बना हुआ है जी। वो मैं बता रहा था कि यहाँ पे ना जॉब्स के इतने ना बिग सिटी के कंपेयर टू इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते, तो इसलिए ना यहाँ पे जिनके तो अपने अपने बिजनेस होते हैं वो तो ठीक हैं, वो तो ज़बरदस्त यहाँ पर लाइफ गुजारते हैं। तो जिनके बिजनेस वगैरह नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी सी ना ये हार्ड होता है, क्योंकि या फिर उनको नज़दीकी जो शहर होता है कोई छोटा स्मॉल टाउन, तो वहाँ पे जाना पड़ता है जॉब के लिए ना। तो इसलिए अगर तो आपका अपना बिजनेस है या फिर आपने जो कहते हैं ना पंजाबी खाक माल है आता है, आपने ज़िंदगी में अपने गोल अचीव कर लिए हुए हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट जगह है। तो या फिर आप में बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक हैं, आप समझते हैं कि आप कोई फार्म हाउस वगैरह लेके वहाँ पे कुछ ऐसा कर लेंगे, यानी कोई बर्ड्स की आइवरी बना लेंगे, या आपका कोई एग्रीकल्चर का कोई बैकग्राउंड है, आप कोई वहाँ पे इस तरह काश्तकारी कर लेंगे या पोल्ट्री का कुछ कर लेंगे वहाँ पे, या फिर आप कोई एनिमल्स वगैरह रख लेंगे उनकी को फार्मिंग वगैरह कर लेंगे, तो फिर तो ये बेहतरीन है आपके लिए। तो अगर इन तीन चार चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर थोड़ा सा ना हार्ड हो जाता है। फिर ये हो सकता है कि आखिरी मतलब कह लें लास्ट रिजॉर्ट कि आप फिर हाफ एन आवर या एन आवर की डिस्टेंस पे जहाँ भी आपकी जॉब है या आपका बिजनेस है, तो फिर आप इस तरह की कंट्री साइड में रह सकते हैं, इससे ज़्यादा दूर नहीं। क्योंकि 1.5-2 घंटे आप डेली ना बहुत मुश्किल हो जाता है बैक एंड फोर्थ कम्यूट करना। ये देखिए लेफ्ट साइड पे आपने देखा ये सारी कॉर्न की क्रॉप थी, क्योंकि आजकल ये सारा ना है उसका सीज़न आ रहा है मतलब चल रहा है इसका कॉर्न का। ये अगला फिर ये देखिए फार्म, ये देखिए ये सारा ये कॉर्न लगाई हुई है, क्योंकि ये आजकल ये मतलब हाई इन डिमांड है। ये आप जिधर भी चले जाएं इवन ग्रोसरी स्टोर में भी तो ये डील्स वगैरह पर लगे होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा आजकल आ रही है। ये देख लिया अगला, ये तीसरा लगातार ये फार्म हाउस है जिन्होंने ये देखी है कॉर्न लगाई हुई है। और ये देखिए माशाल्लाह कैसी अप हिल डाउन हिल ये सारी वो पूरी वो उस पर करते हैं ना काश्तकार। यहाँ पे ना असल में इरिगेशन का सिस्टम पाकिस्तान की तरह नहीं है, नहरी निज़ाम वगैरह नहीं है, तो यहाँ सारा जो डिपेंड होता है ना वो आपका बारिश पे होता है। पहले यानी विंटर में कह लें वो स्नो पड़ती है, फिर वो पड़ी रहती है 3-4 महीने 5 महीने, तो उससे ये काफ़ी जो आपकी सॉइल होती है ना मॉइस्चराइज हो जाती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर उसमें आ जाता है। तो फिर ये इनका एक तरीकाकार इस तरह होता है, फिर उसमें सीड डालते हैं, फिर वो
मतलब हल वगैरह चला के सीड वगैरह डालते हैं, फिर जब उनका दोबारा पानी लगाने का टाइम होता तो यहाँ तो माशाल्लाह इतनी ग्रीनरी है और इतना जबरदस्त इन्होंने अपने ये चीजें संभाल के रखी है। जब इन्हें जरूरत होती है मतलब दोबारा पानी की, फिर बारिश शुरू हो जाती है। तो कहने का मकसद है इनका माशाल्लाह साइकिल ही ऐसा चल रहा होता है, ये देखे राइट पे फिर कौन, तो इनका ना साइकिल इस तरह का चल रहा होता है कि ये इनको जरूरत नहीं पड़ती ना मतलब ट्यूबवेल लगाने की। हालांकि यहाँ वाटर लेवल बहुत हाई है कंपेयर टू पाकिस्तान या हमारे वो इंडिया वगैरह, यहाँ बहुत ज्यादा हाई है वाटर लेवल, बारिशें बहुत होती हैं। इन्होंने अपने नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं बड़े संभाल के रखे हुए हैं। ये देखिए लेफ्ट पे कितना प्यारा व्यू था, ये राइट पे फिर देखिए कौन आ गया, क्योंकि आजकल सीजन यही चल रहा है। तो ये देखें आप, ये ना असल में थोड़ा सा हिली एरिया, ये अप हिल डाउन हिल आप बहुत ज्यादा देखेंगे ड्राइव के दौरान। ये देखें कितना खूबसूरत है, मैं आपको विंडो में से दिखा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है ये। मैंने कहा स्पेशली चलें ये आपको व्यू दिखा देता हूँ। चलें जी, ये अब फ्रंट का व्यू आ गया। तो ये देखिए अब थोड़ा सा ना अब दोबारा धूप निकल आई है, तो बस यहाँ आजकल ना इसी तरह चल रहा है, कभी ये सनी हो जाता है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है, क्योंकि अब कह लें 15-20 दिन बाद ना कलरफॉल का सीजन शुरू हो जाना है। तो फिर वो कुदरत का एक निज़ाम होता ना, एकदम तो नहीं ना मतलब गर्मी से एकदम सर्दी शुरू हो जानी है कलरफॉल, आहिस्ता आहिस्ता ये बेलेविल सिटी आ रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ना आप कह लें कि वो माहौल बनना शुरू होता है, ये सर्दी आएगी आहिस्ता आहिस्ता, मतलब बारिशें होंगी, ठंडक होगी। ये देखें राइट साइड पे आप देख रहे होंगे ये जो दरख्त हैं ये ऊपर से टूटे हुए हैं। यहाँ ना मदर नेचर बड़ी ज़बरदस्त होती है इस साइड पे, कंट्री साइड पे यहाँ स्टॉर्म वगैरह बड़े आते हैं, टोर्नेडो वगैरह। तो बाज़ औक़ात क्या होता है जो मैंने अक्सर देखा है, जैसे पिछले आपको फार्म हाउस में दिखाया वो ट्रीज ऑलमोस्ट डन है, तो होता क्या है जब ये बहुत शदीद किस्म के टोर्नेडो वगैरह आते हैं ना कंट्री साइड पे, तो ये इनके अमूमन जो होते हैं ना बड़े दरख्त उनके ऐसे लगता है जैसे बीहेडेड हो गए हैं, ऊपर से जो उनके होता है ना ऐसे लगता है ऊपर से किसी ने उनके सर काट दिए, इस तरह लग रहा होता है, क्योंकि बड़ी तेज आते हैं टोर्नेडो वगैरह। तो ये एक यहाँ का है, उससे फिर घरों को भी नुकसान होता है, फार्म हाउसेस को भी होता है, इनके बांध वगैरह जो बनाए होते हैं मवेशियों के लिए वो तबाह हो जाते हैं, मगर वो रेयर होता है, ये नहीं कि हर दूसरे तीसरे दिन आया होता है, ऐसा नहीं, तो मगर वो चलता रहता है, कहने का मकसद है। तो ये मैं अपनी स्पीड पे ही जा रहा था तो मगर मेरा ख्याल वो ज़्यादा जल्दी में है तो उन्होंने मुझे ओवरटेक किया पीछे से, तो सिंगल लेन है ना वहाँ पे अलाउ था। अब ये देखे सॉलिड लेन है यहाँ पे, ये सॉलिड लेन है, यहाँ से नहीं वो कर सकता था, पीछे था अलाउ तो उसने मुझे ओवरटेक किया। तो ये बड़ा खूबसूरत व्यू था ऑन द वे। ये देखे लेफ्ट ये बेल्स पड़ी हुई है, ये वो मतलब बेल्स बनाई हुई उन्होंने हे की ना साइलेज के लिए, वो यूज़ करते हैं अपने एनिमल्स को स्पेशली विंटर वगैरह में, क्योंकि विंटर में तो आपको पता ही ये हरियाली नहीं ना होती, ये सारी स्नो पड़ी होती तो है। फिर विंटर में गुजारा करने के लिए वो ना ये समर में जब उनकी फसलें होती हैं फिर उसकी काट के ना फसल को, तो उसकी हे की इस तरह साइलेज बना लेते हैं। तो ये कॉर्न जो मैंने अब दिखाया ना ये मोस्टली जो ये कॉर्न है ना ये साइलेज में यूज़ होती है, उसके अलावा कॉर्न का ऑयल भी निकलता है आपको पता है, उसके अलावा कॉर्न वैसे भी ये स्वीट कॉर्न है बड़ी मज़ेदार होती है, आप किसी भी बड़े स्टोर पर चल जाएँ यानी फ्रेश को नॉफ्रिल वगैरह मेट्रो वहाँ पे ये आपको वैसे भी खाने के लिए भी मतलब मिलती है वहाँ पे और फॉर सेल होती है। तो मोस्टली वैसे इसका जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ना वो किया जाता है ये साइलेज में इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें गजाइत बहुत ज़्यादा होती है और ये इन मतलब बहुत हाई इन रिच होती है मतलब प्रोटीन इसमें, तो इसलिए ये ज़्यादा ना उस साइलेज में भी इस्तेमाल होती है। तो मतलब यहाँ काश्तकारी इस तरह होती है कि 100 एकड़ होते हैं, मिसाल के तौर पे जिसने कॉर्न लगाई है ना उसके अगर 100 एकड़ है, 150 एकड़ है, 200 एकड़ है, उसने वो सारे पे लगा देनी है, फिर जब उसकी होनी है ना मतलब कटाई वो फिर बड़ी बड़ी मशीन होती है वो आके ना इकट्ठी एक दो दिन लगाते हैं वो सारी की कटाई कर देते हैं, और फिर एक साथ मशीन होती है वो उसमें वो ये गिर रहे होते हैं मतलब इसके जो आप इसको सिटे वगैरह कह लें और दूसरी साइड से उसके वो ग्रेन निकल रहे होते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त यहाँ इनका ना मतलब है एग्रीकल्चर का सिस्टम। तो मगर यह है कि वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो होते भी बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े महंगे होते हैं,
खैर यहाँ एक ये सहूलत भी है कि आप बैंकों वगैरह से फाइनेंस करा लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। स्पेशली यहाँ ना एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा मतलब वो कह लें प्रमोट किया जाता है। इवन अगर आप का फार्म है ना तो आप वो अलाउ करते हैं आपकी एक या दो गाड़ियाँ ना, वो बड़ी चीप आपको देंगे इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ उनमें पता होता है ना आपको एक से ज़्यादा गाड़ी की ज़रूरत है। स्पेशली वो जो कार्ट वगैरह सी बनी होती हैं वो एनिमल्स को मूव करने के लिए, जैसे हॉर्सेस वगैरह को, या वो वैन सी बनी होती हैं, तो उनको पता होता है कि आपने गाड़ी के अलावा एक ट्रक भी रखना है, तो फिर आपको ना वो फेवर देते हैं, उसकी इंश्योरेंस भी मतलब वो कंपेयर टू जो नॉर्मल लोगों की होती है इंश्योरेंस किसी भी ट्रक वगैरह की, उससे आपको कम ही देंगे मतलब ये फार्म की बेस पे। तो ये ना कहने का मकसद ये सब्सिडीज वगैरह भी देते हैं फार्मर्स को, क्योंकि उनको पता भी फार्मर उगाएगा तो हम लोगों ने खाना है ना भाई। शहर में वो काम ही करते हैं ना, वो बिजनेस के अकाउंट नंबर इधर उधर घुमाते हैं ना फिगर्स वगैरह, वो मतलब हकीकत में तो वो कोई चीज़ ना उगाते हैं ना वो पालते हैं कि एंड ऑफ द डे वो उसका कोई मतलब एंड यूज हो। तो वो कहने का मकसद वो इसलिए वो इस सेक्टर पे बड़ा हाथ रखते हैं कि ताकि ये एटलीस्ट उगाएंगे ग्रो करेंगे तो हम शहरों में बैठ के खाएंगे। तो हमारी तरह नहीं है, हमारे उधर तो बेचारा किसान मर गया, इतना उस पर वो डाल देते हैं कर्जे वगैरह, फिर कर्जा इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे उसको देते, वो तो बेचारा कर्जे उतारते मर जाता है। तो बहरहाल कहने का मकसद है यहाँ बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं और माशाल्लाह लैंड बहुत ज़्यादा है कनाडा के पास, ये बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है इधर, और पानी का कोई मसला नहीं है, वाटर लेवल बहुत हाई है क्योंकि यहाँ बारिशें जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है। अगर तो आपका बैकग्राउंड यकीन करें एग्रीकल्चर का ना, तो इसमें बहुत पैसा आएगा। आप आए आप मतलब सेम फार्म लैंड पे आप अपने मवेशी भी रखें, आप फसलें भी मतलब काश्त करें, आपके कोई थोड़ा सा नॉलेज है बर्ड्स का, आप आइवरी बना लें साइड पे, यार आप 150-200 शीप ही रख लें तो 2-3 साल बाद वही आपकी 1.5-2 लाख डॉलर की हो जाती हैं, बच्चे इतने वो दे देती हैं मल्टीप्लाई, मतलब कह लें कि मैक्सिमम 2.5 से 3 साल में ना उसने आपको 1.5 से 2 लाख डॉलर कमा देना अगर आप 150 शीप डालते हैं एक टाइम पे। तो कहने का मकसद है बंदा मेहनत करने वाला हो, यहाँ तरीके बड़े हैं। तो ये था आज का वीलॉग, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीलॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।